हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आ रही होगी उसको भी पुश कर लें ताकि मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यूज़फुल वीडियो, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक रुमाल बराबर पीस लिया हुआ है, यहाँ पर कट पीस लिया हुआ है इस तरीके से। और ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने मोटी फैब्रिक का यूज़ किया है यहाँ पर, और इस तरीके से मैं दोनों साइड से आपको दिखा रही हूँ। इसका कलर अपोजिट है, एक तरफ ब्लैक शेड में है तो दूसरी तरफ पिंक शेड में है। इस तरीके के कपड़े बाज़ार में मिलते हैं, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। या तो फिर आपको अगर डबल शेड रखना है तो दो कपड़े आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इस तरीके से अब हम चारों तरफ से इसको फोल्ड कर लेंगे, इसका कोना, ताकि इसके धागे निकले नहीं। और इस तरीके से हम इसको मशीन से चला कर इस साइड से इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने दोनों तरफ इसको फोल्ड कर लिया है, ये देखिए। और इसके जितने धागे हैं अब हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको कट कर लिया है और अब हमें इसका एक कॉर्नर लेना है यहाँ पे और इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, ये देखिए। और फिर हमें इसकी सिलाई कर देनी है, ये देखिए, इस तरीके से हमें इसकी सिलाई करनी है। ये दोनों साइड से हमें सिल देना है, ये देखिए मैंने इसको सिल दिया है। और अब हमें इसको पलट देना है और यहाँ से हमें बिल्कुल जहाँ तक हमने सिलाई की है उतना ही हमें इसको फोल्ड करना है, ये देखिए उतना ही हमने फोल्ड किया हुआ है। और दूसरा वाला कॉर्नर भी इसी तरीके से अब इसके बराबर में लाना है, ये देखिए, ये बिल्कुल बराबर में जब इसकी फोल्ड हो जाएगा तो फिर हमें ये वाला कॉर्नर भी इसी तरीके से मोड़ लेना है और इसकी भी हमें यहाँ से पकड़कर इसको भी हमें सिल देना है, ये देखिए, इस तरीके से उठाकर हमें इसको भी सिल देना है, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, मैंने दोनों साइड से इसको सिल दिया है और अब हम इसमें लैस लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने पतली लैस का यूज़ किया है और इस तरीके से हमें इसके जहाँ जहाँ हमने सिलाई की है वहाँ वहाँ लैस लगा देनी है। ये देखिए, इस तरीके से जहाँ जहाँ हमने इसकी सिलाई की मैं लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमें लैस को लगाना है जहाँ से हमने फोल्ड किया था उसके ऊपर, और ये जो हमारा कॉर्नर है जहाँ हमने सिलाई की थी उस पर। और ये मैंने चारों तरफ लैस लगा ली है इसकी। और अब हमें कपड़े को पलट देना है और ये एक पार्ट और दूसरा पार्ट हमें इस तरीके से मिला देना है इसमें। ये देखिए, ये हमारा बीच का स्क्वायर शेप बन जाएगा, इस तरीके से हमारी सारी लेस ऊपर आ जाएंगी। और हमें ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर अब हमें सुई धागे की मदद से टांग लेना है, ये देखिए, बिल्कुल हमें इसको टाइटली इस तरीके से टांग लेना है और बीच का हमें पार्ट खुला रखना है। ये देखिए, मैं फिर से दिखाती हूँ, हमें यहाँ से उल्टा किया हो और इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और दूसरा वाला साइड भी हमें इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है, ये देखिए, इस तरीके से दोनों साइड से हमें फोल्ड कर लेना है और फिर इस तरीके से इसमें सुई धागे से हमें टाँका लगा लेना है दोनों साइड। ये देखिए, एक साइड में मैंने टाँके लगा दिए हैं और इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी सिल लेना है इसको।
देखिए इस तरीके से मैं दूसरे साइड से भी इसको सिल दूंगी। और ये वाला पार्ट हमें बीच से इसको ओपन रखना है। ये देखिए ये वाला पार्ट हमने इसको ओपन रखा है, ये देखिए इस तरीके से, और नीचे से भी हमें ओपन रखना है अभी इसको। और अब हमें दो बटन्स लेने हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैंने दो बटन का यूज़ किया है और जहाँ जहाँ हमने टाँके लगाए थे वहाँ वहाँ हमें इसको लगा देना है, ये देखिए इस तरीके से। दोनों साइड में हमें इसको लगा देना है। ये देखिए, और अब हमें लेस की छोटी छोटी पीसेस लेनी है। ये बीच का पार्ट हमें ओपन रखना है, यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है। और अब हमें लेस का छोटा सा पार्ट रख लेना है और पीस इस तरीके से, और इसको हमें लूप बनाना है इसका। ये देखिए यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे और जितना बड़ा हमारा बटन है जितना बड़ा हमारा बटन है उसी हिसाब से हमें लूप को बनाना है। और फिर इस कॉर्नर में हमें लगा देना है अंदर की ओर, इस तरीके से लगा देना है। दोनों साइड में इसी तरीके से लूप बनाकर लगा लेना है। और फिर मैं एक साइड से आपको बंद करके दिखाती हूँ कि ये इस तरीके से बंद हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से बंद हो जाएगा और ये अंदर से ओपन रहेगा। और अब हमें इसमें टिश्यू पेपर्स रखने हैं, इस तरीके से हम टिश्यू पेपर्स इसमें रखेंगे। और फिर दूसरा वाला साइड भी हमारा है जो उसको भी हम, ये देखिए इसमें मैंने रख दिया है, और इसको भी हम इस तरीके से बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको भी बंद कर देना है। और ये हमारा टिश्यू ऑर्गेनाइज़र बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। ये बहुत ही प्यारा पीस बन कर रेडी हुआ है। और यहाँ पे हमने इसको टिश्यू पेपर को रखा है और आप इस तरीके से यहाँ से इसको निकाल सकते हैं और फिर इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही प्यारी पीस बनकर रेडी हुई है। आप चाहें तो इसे अपने हैंड बैग्स में भी रख सकते हैं और इसमें थोड़ा सा लूप लगा कर यहाँ पर छोटा सा, तो आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।